बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और आज किस वीडियो में एक ऐसा वजीफा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो लाखों जिन्नात पर भी भारी होता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। आम लोगों की जिंदगी में जहाँ जादू टोने का दखल बढ़ गया है वहाँ हमारी ज़िंदगी में जिन्नात का अमल दखल भी आम मसला बन गया है। मज़हब से दूरी और समाजी अखलाक पर जवाल की जानब बढ़ने से हमारी ज़िंदगी और मामलात पर हवाई और नारी मखलूक का कब्ज़ा होता जा रहा है जिसकी वजह से लोग आमलों से राबता करते हैं। कुरान और अहादीस में शर पसंद शैतानी मखलूक से पनाह के लिए बेशुमार हिदायात मौजूद हैं। ऐसे मुसलमानों को जिन्हें ये शिकायत हो और जो समझते हों कि अचानक जिन्नात का इनसे सामना हो गया है तो इन्हें घबराने की बजाय आयतुल कुर्सी का ये अमल करना चाहिए। इस अमल से पहले लाजम है कि आप आयतुल कुर्सी को जबानी याद कर लें। जिन्नात के खतरा के पेशे नज़र आयतुल कुर्सी को इस तरह पढ़ना चाहिए। जब वला यहूदु हिफ्ज़ुहुमा तक पहुँचें तो इसको लगातार 70 बार पढ़ लें। इस मौका पर अगर लाखों जिन्नात भी आप पर हमला आवर होंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो भाग जाएंगे। इलावा इसके जो लोग तीसरा कलमा बाकसरत पढ़ते हैं इनकी रूहानी कुव्वत इस कदर ज्यादा होती है कि इन पर शैतान हमला नहीं कर सकता और रोजाना कम अज कम 21 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना चाहिए और आयतल कुर्सी को जबानी याद कर लेना चाहिए। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।